हम राजनेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं। हम किसी भी राजनेता की बात पर विश्वास नहीं करते, इस माने कर धर्म के ताल्लुक से। हमारे जितने भी हिंदू आरएसएस के नौजवान हो, वीएसपी के नौजवान हो, बजरंग दल के नौजवान हो, शिवसेना के नौजवान, ये अपने राजनेताओं के बहकावे में आकर बच्चियों को बहना फुसला कर उनसे निकाह करते हैं। एक साल, डेढ़ साल, दो साल के बाद उनको तलाक दे देते हैं। उनके पेट से बच्चा पैदा हुआ, उनकी जिंदगी तबाही के दहाने पर आ जाती है और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, या फिर उसका मर्डर करके सूटकेस में बैग में डालकर कहीं किसी पटरी के नीचे फेंक देते, किसी ट्रेन के नीचे फेंक देते। ये मिशन है, वो कभी भी आपका हम सफर नहीं हो सकता। जो अल्लाह को नाराज करके दुनिया के किसी इंसान को खुश करने चलेगा, कयामत की सुबह तक यू कांट बी सक्सेस सक्सीडेड द पर्सन, दुनिया के अंदर तुम कामयाब नहीं हो सकते। हम मुसलमानों को अवेयर होना पड़ेगा, यह अवेयर होना पड़ेगा इस देश में कि हम अपने बच्चियों को तालीम से अपनी शरीयत के बारे में, अपने कुरान के बारे में, अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत के बारे में, अम्मा आयशा की पूरी सीरत के बारे में, फातिमा ज़हरा की सीरत के बारे में, खदीजतुल कुबरा की सीरत के बारे में बताएं। नहीं बताएंगे, वह अपना ईमान कहीं पर भी बेच सकती है अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए। उस बच्चे का वाकया बताऊंगा मैं, गरीबी की वजह से भी समाज की कुछ बच्चियां अपने ईमान का सौदा कर लेती, अग्यार के हाथों में हाथ डालकर, और फिर अपने अल्लाह से, अपनी शरीयत से, अपने माँ बाप से सबसे अलग हो जाती अपनी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए। इन तमाम चीजों से अगर अपने बच्चे को पाक रखना है तो मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे साबित नौजवानों, सब अपने घर के अंदर बच्चों की तालीम के बारे में सोचे, फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह वो दूसरी और भी गुनाह से दूर रहेंगी। कौन से गुनाह? मोबाइल पे एक दूसरे से बात करना। कोई लड़का तीर मारता, मैडम हेलो, आपका नंबर मेरे पास था, I want to make a friendship with you। टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा इंप्रेस करने के लिए। समाज की बहू बेटियां बहुत ज्यादा आसानी से सोचता है कि लड़का अंग्रेजी बोल रहा, फौरन उसके फंदे में, उसके जाल में फंस जाते। उसके बाद में फिर क्या मनाते? फ्रेंडशिप डे मनाते, चॉकलेट डे मनाते, बर्थडे मनाते, रोज डे मनाते, वैलेंटाइंस डे मनाते, सारे डे मनाते। और हमारा नौजवान पागलों की तरह उनके पीछे फिरते हैं। जो कभी रात को उठकर चार रकात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता, वो रातों को दो बजे उठकर दो दो घंटे तक फोन पे बात करता, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट यू, I don't feel sleepy in the night, नहीं नींद नहीं आ रही है, what did you eat in the dinner? ये सारी बातें मेरे नौजवानों, मेरे साथियों और मेरे समाज के बहु बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी दी है सही जगह पर इस्तेमाल के लिए।